ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनके, 15 अगस्त की है उनकी कहानी। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त। दोस्तों, 1757 से लेकर तो 1857 तक भारत को ब्रिटिश सरकार यानी कि ईस्ट इंडिया सरकार ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिए, बहुत से जवानों ने अपना खून पसीना बहाया। घोर अंधकार के बाद वो दिन आ गया, 14 तारीख दिन गुरुवार का। तमाम बड़े बड़े नेताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई और सन 47 14 अगस्त रात के ठीक 12:03 पर सारा देश आज़ाद हो गया, पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया गया। सुबह का पहला सूरज भारत देश के लिए बहुत ही खूबसूरत रोशनी लेकर आया। चिड़िया चींची करने लगे और रोशनी से भारत जगमगा उठा। देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया, हमारा भारत आज़ाद हो गया। हंसते हुए, गाते हुए और उत्सव मनाते हुए लोग दिल्ली के लाल किले में जमा हो गए और फिर शुरू हो गया 15 अगस्त का ऐलान। यह ऐलान कोई मामूली ऐलान नहीं था दोस्तों। भारत देश को आज़ाद करने के लिए बहुत से जवानों ने अपना खून बहाया था और इसी तरह हर साल प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे दिल्ली के लाल किले के मैदान में ध्वज लहराते हैं और तमाम मिलिट्री परेड करवा कर तिरंगा लहराते हैं और तब से नाम हो गया 15 अगस्त। इसी तरह जल्लोस मनाया जाता है हर साल। हमें गर्व है हमारे इस देश पर, हमारे भारत पर, कि आज भी वो जवान जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनको दंडवत प्रणाम। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने झंडा लहराया था लाल किले पर सुबह ठीक 8:40 पर। ये स्वतंत्र दिवस का झंडा लहराया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।